हेलो सो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। उम्मीद है आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी अपकमिंग एग्जाम के लिए, चाहे आप यूजीसी की तैयारी कर रहे हैं या आप कोई पीजीटी या लेक्चरशिप की तैयारी कर रहे हो। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी का एक टॉपिक, और ये वाला टॉपिक इंडियन इकोनॉमी में यूजीसी नेट में यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछ लेता है, तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा वेटेज दिया है। क्या हम लोग डिस्कस करेंगे एसडीजी की रैंकिंग आई है 2024 की, एसडीजी के गोल्स कितने हैं और कौन से गोल में क्या परफॉर्मेंस है और किस स्टेट की इतनी परफॉर्मेंस है, ये हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। तो पूरा ये टॉपिक जो है इंडियन इकोनॉमी का, इसको अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज की कैटेगरी में ये क्वेश्चन आता है अपकमिंग एग्जाम में, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको अंडर एस्टिमेट बिल्कुल ही मत करना। जितनी चीजें हैं उसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। यूजीसी नेट की दिसंबर की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो हमारे बैचेस 20th of July से स्टार्ट हो चुके हैं, पेपर 1 2 दोनों है, कंबाइंड कोर्स भी है और पेपर 2 इकोनॉमिक्स भी है। कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इन नंबर पे व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात यह है कि ये क्वेश्चन बन सकता है कि सिंपल क्वेश्चन तो आजकल बहुत कम बन रहे हैं, है ना, थोड़ा सा इनडायरेक्टली ही बन रहे हैं क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि अभी जो लेटेस्ट 2023-24 की रैंकिंग है उसमें एसडीजी स्कोर कितना है। एसडीजी स्कोर बना है 71 और टारगेट कितने का है, एसडीजी 100 का टारगेट है, और ये टारगेट को कब तक अचीव करना है, 2030 तक अचीव करना है। ये 17 इंडिकेटर्स हैं और 17 पैरामीटर कह लो या फिर 17 गोल्स कह लो जो इंडिया को अचीव करने हैं 2030 तक। पहले 57 था 2018 में, 60 हुआ 19-20 में, 20-21 में हो गया 66, अब 71। सो दैट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में ये आता है, ठीक है। मोस्ट आईएमपी कर लीजिएगा इसको, ये इंपॉर्टेंट है कि अभी रैंकिंग क्या है, एक क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं, अभी जो 2018 में, ठीक है, 66, उसके बाद फर्दर 71 इन 2000, पहले 57 18 में, मतलब वही 57 था, फिर उसके बाद 61 1920 में, एंड देन 66 एंड देन 71, वही बात है। आगे चलते हैं, कुछ स्टेट इसमें ड्रेस्टिक चेंज आया है, कुछ स्टेट ने काफी अच्छे से जंप किया है इसमें। तो कई बार ये क्वेश्चन बन सकता है कि अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन देयर परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू एसडीजी, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको भी देख लीजिए 2018 से लेके 2023-24 तक जो अभी करेंट रेटिंग है या रैंकिंग है उसमें यूपी सबसे नंबर वन है। यूपी जिसने, अब ये सिर्फ उस बात हो रही है जिसने ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज किया है अपना स्कोर, इंक्रीज इन स्कोर बाय 25, ठीक है, 2018 से अब तक 25 का जंप किया है, मतलब सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। डजेंट मीन कि यूपी सबसे हाईएस्ट है, बट हाँ इंक्रीज इसमें सबसे ज्यादा आया है। फिर उसके बाद जे एंड के का 21, उत्तराखंड का 19, और उत्तराखंड ही है जो अभी एसडीजी रैंकिंग में नंबर वन आया है, 79 केरला है और 79, ठीक है, यूके और केरला दोनों का ही सेम सेम नंबर है एसडीजी, तो ये फर्स्ट में डाला गया है इस पर उत्तराखंड को, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। सिक्किम 18, हरियाणा 17, और असम एंड पंजाब, असम त्रिपुरा पंजाब, उसके बाद मध्य प्रदेश उड़ीसा वगैरह 16 और 15 ईच। चलिए तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि सबसे ज्यादा इंक्रीज किस स्टेट में आया है इस रैंकिंग के अकॉर्डिंग 2018 से लेके अब तक की। अब देख लेते हैं कि इस जो मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग में कौन कौन था, और पहली बात यह है कि जो ये प्रिपेयर करता है या फिर पब्लिश करता है एसडीजी को वो नीति आयोग है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है, नीति आयोग इसकी देखरेख करता है। नेक्स्ट कौन कौन था, लॉन्च किसने किया, श्री सुमन बेरी वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के, फिर सीईओ नीति आयोग के वो है हमारे पास श्री बीवीआर सुब्रमण्यम, ठीक है, ये हो गए सीईओ ऑफ। बाकी और भी मेंबर है, यूएन मेंबर है यूएनडीपी के, तो बाकी अगर नहीं करोगे तब भी ठीक है, बस ये देख लेना कि सीईओ कौन है और वाइस चेयरमैन कौन है, ठीक है। चेयरमैन प्लानिंग कमीशन का प्राइम मिनिस्टर होता था, तो इसीलिए अब जो नीति आयोग है उसके भी चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर ही है। अब एक थोड़ा सा रोड मैप या फिर थोड़ा सा एक ब्रॉड मैप देख लीजिएगा, पहले इंडिया की सिचुएशन ये येलो येलो ज्यादा था, रेड ज्यादा था, फिर उसके बाद यहाँ पे येलो कम होके ग्रीन आ गया, अब यहाँ ग्रीन पोर्शन बढ़ गया, अब जो रेटिंग है 71 ग्रीन ज्यादा हो गया, कुछ कुछ एरिया में है जो अब ये ग्रीन होने का मतलब है ये हम लोग काफी अच्छी सिचुएशन में है, और 100% जब अचीव हो जाएगा तो ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या इसका मतलब है आगे समझेंगे इसको डिटेल में। चलिए सो दीज स्कोर्स रेंज बिटवीन 0 to 100, ये बात देख लीजिएगा, दैट वन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एसडीजी की जो
रेंज है वो कहाँ तक है, 0 to 100 है, क्योंकि कई बार इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ लेता है। उसके बाद नेक्स्ट, जितना हायर स्कोर रहेगा, मतलब कि उस यूटी ने या फिर स्टेट ने टारगेट कवर करने के लिए अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं और काफी काम किया है, ठीक है। और ये एजेंडा वही है, 2030 तक इसको कंप्लीट करना है। तो इंडिया अभी बाय हुक एंड क्रुक, ठीक है, ये आप ये कह लो कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें दिख भी रही हैं, और बहुत सारी चीजें आपको ऐसी लगेंगी कि ये भी सच है, इंडिया में रेटिंग या रैंकिंग इतनी अच्छी आ सकती है। चलिए, तो जितना ही प्रोग्रेस है एसडीजी, इंडिया ने जो भी 23-24 में किया है उसमें इंपॉर्टेंट देखो क्या है, सबसे ज्यादा गोल्स वन, ठीक है, गोल्स वन में अच्छी रेटिंग आई है। नेक्स्ट गोल नंबर, एसडीजी गोल नंबर 8 जो है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इसमें और क्लाइमेट एक्शन में जो है SDG 13, ये इसमें अच्छे पैरामीटर हमें या फिर अच्छी रेटिंग हमें देखने को मिली है, ठीक है। इसमें से सीधा हम चलते हैं एक इमेज के ऊपर, वहां हमें चीजें बहुत अच्छे से समझ आएंगी। अब इसमें है क्या, एक बार डिटेल में इसको समझ लेते हैं। जो रेड कलर आपको दिख रहा है वो एस्पिरेंट है, मतलब 0 से 49 के बीच में है रेट आपका स्कोर, ठीक है, ये एस्पिरेंट है। दूसरी कैटेगरी है परफॉर्मर, जिसमें 50 to 64 तक स्कोर है। फ्रंट रनर में है 65 to 99, और अचीवर्स जो ब्लू की बात हो रही थी ये है 100। अभी तक 100 कोई ऐसा इंडिकेटर, 100 सक्सेसफुल कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन 2030 तक का टारगेट है कि सक्सेस हो जाएगा, ठीक है, ये 2030 का टारगेट है। अब जितने भी स्टेट ये 65 से ऊपर दिख रहे हैं, ठीक है, वो सब 65 से जितने ऊपर दिख रहे हैं ये सब आपको ग्रीन में दिखेंगे, ठीक है। ये क्या है, फ्रंट रनर है, ये बात देख लीजिएगा। यूजीसी में, यूजीसी पूछता है डीप, तो यहाँ से थोड़ा सा टाइम लगा के इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, या टेलीग्राम में भी डाल देंगे, वहां से भी डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको एनालिसिस कर लीजिए कौन कौन से रनर अप में है, और सिर्फ एक ही है जो एस्पिरेंट में है इसके अकॉर्डिंग। ये देखो गोल 5, SDG 5 जो जेंडर इक्वालिटी है यही है जो सिर्फ 49 पे है, बाकी सब 50 अबव है, ठीक। और उसके बाद भी कैटेगरी दूसरी देखनी है कि फ्रंट रनर में कितने हैं। तो फ्रंट रनर इसमें स्पेशल डेवलपमेंट, जो अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो 17 गोल्स हैं, बट इसमें जो स्टडी हुई है वो 15 गोल्स की हुई है, ठीक है। एक आपको गोल नहीं मिलेगा यहाँ पे, 14 गोल नंबर 14 मिसिंग है और गोल नंबर 17 मिसिंग है, ठीक है। तो 15 जो गोल्स हैं उनका ये रेटिंग है। अब आई डोंट नो कि उन्होंने 2 गोल्स क्यों छोड़े, ठीक, हो सकता है कि चाहे इसमें बैकवर्ड हो या फिर फ्रंट फ्रंट रनर में हो, अब क्यों गवर्नमेंट ऐड नहीं किया ये बात सोचने वाली है। चलिए, तो टोटल आप ये देख लीजिएगा सबसे हाईएस्ट इसमें कौन सा है, ये यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। तो ये वाला SDG 7 देखो 96 तक है, मतलब 100 के करीब पहुंचने वाला है, टारगेट यही है कि 100 तक पहुंचना है, ठीक है। तो अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी में 96, नेक्स्ट उसके बाद जो आता है वो है 83 SDG 11, ठीक है, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज 83। अब सस्टेनेबल सिटीज में सैनिटेशन वगैरह आता है, आजकल स्वच्छ भारत अभियान बहुत अच्छे से चल रहा है, ठीक है, हर गली मोहल्ले में वैन आती है कूड़ा वगैरह उठा के ले जाती है, तो इसमें तो बिल्कुल ठीक है, ग्राउंड लेवल पे काम हो रहा है, ठीक है। बाकी आप देख लीजिए 77 है गुड हेल्थ एंड वेलबींग 77, और थोड़ा एनालिसिस कर लीजिए इसको कौन इससे अप है और कौन डाउन है, ठीक है। चलिए, और अभी नेक्स्ट जो रेटिंग आएगी शायद नेक्स्ट ईयर या फिर उसके 1-2 साल बाद, तो मान सकते हैं ये कि कोई ना कोई 100% अचीव और मतलब अचीवर की कैटेगरी में कोई ना कोई तो आएगा, ज्यादा चांसेस हैं कि SDG 7 आ जाए। चलिए, अब करते हैं इसको डिटेल में एनालिसिस, ठीक। आगे अब यहाँ से पॉइंट ये बात है कि ये जितने ही पॉइंट्स हैं ये सब गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं, और गवर्नमेंट स्कीम्स में से कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट नीति आयोग पब्लिश कर रहा है, प्लानिंग कमीशन था पहले, अब नीति आयोग है, तो मान के चलो ऑथेंटिक डाटा है, ठीक है, जो डाटा इसमें दिया हुआ है वो ऑथेंटिक है, नोट कर लीजिएगा काम आएगा, ठीक है। नंबर वन देखिएगा, ओवर 4 करोड़ हाउस होल्ड अंडर पीएम आवास योजना कवर्ड, मतलब पीएम आवास योजना में कितने करोड़ हाउसेस, 4 करोड़ से ऊपर हाउसेस आ गए इसमें, ये क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट 11 करोड़ टॉयलेट्स एंड 2.23 लाख कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्सेस बन गए ये रूरल एरियाज में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 11 करोड़ टॉयलेट्स। नेक्स्ट आगे देखिए, 10 करोड़ एलपीजी कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हुए पीएम उज्ज्वला स्कीम्स के तहत, 10 करोड़ एलपीजी कनेक्शन, दैट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बन चुके हैं, पीएम जनधन योजना में कितने अकाउंट खुले, ठीक
ये क्वेश्चन आ चुका है, तो ये ऑथेंटिक डेटा है, बिल्कुल आपके काम आएगा। नेक्स्ट, टैप वाटर कनेक्शंस 14.9 करोड़, ठीक है, हाउस होल्ड। और कौन सी मिशन? जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन में 2022 में एग्जाम में आया था कि कितना इसमें बजट अलोकेट किया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 14.9 करोड़ कवर हो चुके हैं। 30 करोड़ बेनिफिशियरीज कवर हो गए आयुष्मान भारत के तहत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत, कितना? 30 करोड़ बेनिफिशियरीज आ गए। नेक्स्ट, कवरेज ऑफ 80 करोड़ पीपल अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो 2013 का एक्ट है, उसमें 80 करोड़ पीपल कवर हो गए। अब 80 करोड़ पीपल, ये सब डाटा उठा रहा है कहाँ से? जो कोविड-19 के टाइम फूड डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह हुआ था ना, वो सब मिला के 80 करोड़ पीपल कवर्ड हो गए कह रहा है। नेक्स्ट, एक्सेस टू 1,50,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, ठीक है। अब एक्सेस 1.5 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जो जगह जगह प्राइमरी हेल्थ क्लिनिक है, वो खोले गए कह रहे हैं। नेक्स्ट, और स्पेशली वो अफोर्डेबल जेनेरिक मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करते हैं सस्ते रेट पे। नेक्स्ट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स, जो हमारी सब्सिडी आती है ना अकाउंट्स में, उसमें देखो कितना आ गया, 34 लाख करोड़ मेड थ्रू पीएम जनधन अकाउंट्स। पीएम जनधन अकाउंट में 34 लाख करोड़ हो गया, दैट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है। अब ये जितनी भी चीजें हैं, ये सब गवर्नमेंट की उपलब्धियां हैं, और गवर्नमेंट जब भी कोई अच्छा काम करती है, उसको एग्जाम में पूछती जरूर है। नेक्स्ट, स्किल इंडिया मिशन के तहत देखो 1.4 करोड़ यूथ स्किल्ड हुआ, ट्रेनिंग ली जिस उन्होंने, ठीक है, और रीस्किल्ड भी हुए 54 लाख यूथ। आगे देखो, चलिए एक स्कीम और है, ये क्वेश्चन भी अभी तक तो नहीं बना है, नेक्स्ट शायद बन जाए। क्वेश्चन क्या है? सौभाग्य स्कीम। सौभाग्य स्कीम इज रिलेटेड विद एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिफिकेशन, जहां जहां जिन जिन घरों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहां इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना। नेक्स्ट, एम्फसाइज ऑन द रिन्यूएबल एनर्जी रिजल्टेड इन इंक्रीज इन सोलर पावर कैपेसिटी। सोलर पावर कैपेसिटी अब कितनी इंक्रीज हो गई है? पहले 2.82 गीगावाट कैपेसिटी से 73.32 गीगावाट, ठीक है, हो गया है अब। तो मान के ये चलो कि ये क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट, बिटवीन 17 to 23, इंडिया हैज एडेड अराउंड 100 गीगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटी 100 गीगावाट तक, ठीक है, बिल्टअप कर दी या ऐड कर दी, विच अराउंड 80% ऑफ एट्रीब्यूट टू नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड। जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस की गई, उसमें 80% नॉन फॉसिल था, मतलब 80% में कोल, गैस, ऑयल का यूज नहीं हुआ, ठीक है। तो ये भी एक उपलब्धि हो गई कि ज्यादा जो बर्निंग फ्यूल्स हैं वो यूज नहीं हो रहे। नेक्स्ट, इंप्रूवमेंट इन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 5G लॉन्च, 4G लॉन्च, और उसमें भी जो डाटा है वो इंटरनेट डाटा कॉस्ट 97% तक कह रहा है, ये रिड्यूस्ड कर दी है, ठीक है। हमें वैसे कि ये 5G की स्पीड या 5G के रेट थोड़े ज्यादा लग रहे हैं, बट एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज ये रेट्स कम है, ऐसा गवर्नमेंट मानती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए ये देख लीजिएगा, यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट कैटेगरी की लिस्ट में ये भी बनता है। हाँ जी, करना क्या है आपको, ये देखना है कि टॉप 5 to 6 स्टेट और यूटीज कौन से हैं। बेसिकली स्टेट पूछता है, यूटीज नहीं पूछता, यूटी खैर अलग से लिस्ट है उसकी। देखिए, उत्तराखंड 79, ठीक है, +7 का इजाफा हुआ है, 79। उसके बाद केरला भी 79, ठीक है, तमिलनाडु जो है 78, 77 पे गोवा, ठीक। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश 77, 76 है पंजाब, ठीक है। इतना भी कर लोगे तो आपके टॉप कैटेगरी में बन जाएगा। सीक्वेंस में यही होता है कि आपको एक या दो चीज अगर पता है तो सीक्वेंस आपका बन जाता है, ठीक है। बाकी भी आप कर सकते हो, बट हाँ, इतना डाटा कौन याद रखे, तो टॉप के 5 कर लीजिएगा, और एक बार ज्यादा डीप नहीं करना, तो टॉप के 5 6 तो डीप करिएगा, बाकी एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, है ना। तो टॉप के 5 में से एक या दो तो पूछेगा ही, वही आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अब लिस्ट के जो दो तीन है या चार पांच छह हैं, वो कर लीजिएगा। लिस्ट में कौन से हैं ये देखो, लिस्ट में 65 आसाम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश 65, अगेन 65 मेघालय, नागालैंड, झारखंड, बिहार, ठीक है। बिहार सबसे लीस्ट स्टेट में है, दैट इज 57, ठीक। तो ये हो गया लिस्ट। नेक्स्ट ये है यूटीज, यूटी में सबसे टॉप है चंडीगढ़, ठीक है, 77, और फिर है JNK 74, चलिए। तो यहां से ये था आपका
स्टेट वाइज परफॉर्मेंस। अब देखते हैं एसडीजी गोल्ड, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ये अब क्वेश्चन ये आएंगे मैच द फॉलोइंग SDG 15, ठीक है, किससे मैच करता है, SDG 4 किससे मैच करता है। तो ये बात बिल्कुल श्योर है कि अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को ये चीज पता होना चाहिए कि SDG 1 में क्या है, SDG 10 में क्या है और SDG 17 में क्या है। बात थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है याद रखना, बट हाँ अगर आप वही टॉप 5 और बिलो 5 पे कर लोगे ना, तब भी आपकी स्टोरी बन जाएगी। स्टोरी क्या बनानी है आपको, सिक्वेंस ही तो बनाना है, ठीक है। चलिए टॉप 5 पे देखो, पहले गोल नंबर 1 देखो, मतलब 1 2 3 4 5। गोल नंबर 1 बहुत ईजी है, नो पॉवर्टी, है ना, पॉवर्टी, गरीबी नहीं होनी चाहिए। तो पॉवर्टी में इंप्रूव हुआ है, 60 से 72 हो गया है, सब में इंप्रूव हुआ है, बस एक दो को छोड़ के, ठीक। नेक्स्ट आगे देखो, मनरेगा में ही इसमें 99.7% वर ऑफर्ड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, तो मतलब जितने आए मनरेगा में सबको काम मिल गया लगभग। नेक्स्ट, और यही मनरेगा स्कीम ऐसी है जो एम्प्लॉयमेंट को अपलिफ्ट कर रहा है, अगर ये ना होता तो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा और बढ़ता है इंडिया का। चलिए दूसरा है गोल नंबर 2, जीरो हंगर। तो मान के चलिए जो जो स्कीमें बढ़िया है वहां वहां से क्वेश्चन बन सकती है, जनधन योजना से बनता है क्वेश्चन, ठीक है, मुद्रा बैंक से बनता है क्वेश्चन, मनरेगा से क्वेश्चन बनता है। चलिए जीरो हंगर, अब इसमें ये एक ऐसा कैटेगरी है जिसमें पहले एस्पिरेंट था, 50 से कम था, अब क्या बन गया, परफॉर्मर बन गया है, ठीक है। 99.01 बेनिफिशरीज कवर्ड, अब इसमें जितने बेनिफिशरी हो सब के सब ऑलमोस्ट कवर है नेशनल फूड सिक्योरिटी, ठीक है, एक्ट में 2013 में। नेक्स्ट थर्ड है गुड हेल्थ एंड वेलबींग्स, गुड हेल्थ एंड वेलबींग में 52 से लेके 77। इम्पोर्टेंट ये है कि रैंक पूछ सकता है कि किसका, दैट इज रैंक नहीं, स्कोर, किसका स्कोर कितना है अभी, ठीक है। तो ये स्कोर भी आप एक बार ओवरऑल अपनी डायरी में, अपनी नोट्स में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसी हैं, अभी याद रखोगे तो कल फिर भूल जाओगे, है ना। एक एक सटायर है, इकोनॉमिक्स तो है बड़ी बेवफा, रात को पढ़ो सुबह को सफा, मतलब रात को तो रट्टा मार लो सुबह साफ हो जाएगा, है ना। तो ये याद रखने के लिए बेस्ट तरीका ये है, अपने नोट्स बनाओ, नोट्स में थोड़ा हाईलाइट कर देना, 2 2 3 3 दिन बाद या 10 दिन बाद उसको एक बार रिवाइज कर लेना। चलिए आगे देखते हैं गोल नंबर 4, क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन में क्या है, 100% पैरिटी बिटवीन फीमेल एंड मेल्स, अब इसमें समानता है, मेल फीमेल में दोनों में 100% समानता है एजुकेशन पे। 5 है आपका जेंडर इक्वालिटी, ठीक है, जेंडर इक्वालिटी पहले 36 से 49, अब भी ये परफॉर्मर की ही कैटेगरी में है, और दैट इज जो आपकी फर्स्ट कैटेगरी है ना, ठीक है, उसकी कैटेगरी में, मतलब एस्पिरेंट की कैटेगरी में है ये, सिर्फ यही है जेंडर इक्वालिटी जो एस्पिरेंट की कैटेगरी में है, 49 इसका स्कोर है। चलिए आगे देखते हैं, और सेक्स रेशियो देखो इसके अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, 929, 2023-24 की रैंकिंग के अकॉर्डिंग। चलिए 6 है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन में भी 63 to 89 चला गया है। अब इसको कुछ चीजें ऐसी हैं, यहां से टॉप 5 के अच्छे से कर लो, बाकी आपको सिर्फ, ठीक है, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसको नोट कर लीजिएगा, बाकी इनमें कुछ ज्यादा नहीं है। हाँ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, क्योंकि इसके ऊपर गवर्नमेंट ने यूज किया है, ये एक ऐसा गोल है जिसने सबसे ज्यादा जंप किया है, तो यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है हाईएस्ट स्कोर अमंग्स द ऑल एसडीजी, इसमें कितना है, 51 से 96 पहुंच गया, ये 51 18 में था, अब 96, ऑलमोस्ट 100 के करीब है, बस 100 तक ही जाना है, ठीक। चलिए बाकी एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 8th वन आ गया डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, देन इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर 9th, उसके बाद रिड्यूस इनक्वालिटीज 10, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, ठीक है, 11th। अब इसमें क्वेश्चन ये भी बनेगा कि कौन कौन से इसमें एसडीजी है और कौन कौन से नहीं है, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आते हैं और कौन से नहीं आते इस 17 में, तो वो भी आपका यहाँ से बन जाएगा। चलिए 12 है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्लाइमेट एक्शन, अब क्लाइमेट एक्शन ने भी ड्रेस्टिक इंप्रूवमेंट हुआ है इसमें भी, ठीक है, आगे बढ़िए। एक्शन क्लाइमेट, लाइफ बिलो वाटर, एक क्वेश्चन ये भी आ चुका है कि लाइफ बिलो वाटर जो है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है या नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है। तो लाइफ बिलो वाटर और लाइफ ऑन लैंड ये दोनों ही है, जमीन से मतलब वाटर का लेवल दोनों ही बॉडी है, लैंड एरिया भी, कॉन्टिनेंट्स भी और ओशन भी। चलिए 16 है
पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, और 17 की इसमें बात नहीं की गई, ओवरऑल 17 है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। ठीक है, ये जो 14th जो है लाइफ बिलो वाटर्स, एक इसको डिस्कस नहीं किया गया इसमें, और जो पार्टनरशिप फॉर द गोल्स है इसको इसमें डिस्कस नहीं किया गया रैंकिंग्स में। ठीक है, तो बाकी जो आज का सेशन था वो इसी के ऊपर था, एसडीजी जो हमारे 16 डिस्कस किए गए इसमें, मतलब 15, ठीक है टोटल है 17। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप से अपलोड कर देंगे बाद में। और लेवल ऑफ प्रिपरेशन आपको थोड़ा सा रखनी पड़ेगी हार्ड, क्योंकि लेवल का प्रिपरेशन लेवल ऑफ क्वेश्चन भी थोड़े से हार्ड बनेंगे इंडियन इकोनॉमी से। चलिए, इंडियन इकोनॉमी का एक छोटा सा पार्ट हमने डिस्कस किया, बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, कोशिश करेंगे कि इंडियन इकोनॉमी को थोड़ा और टॉपिक डिस्कस करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, बने रहिएगा चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।